फर्स्ट ऑफ ऑल सत श्री अकाल टू एवरीवन, अमन हेयर, वेलकम ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एल्बो अटैक पार्ट टू कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक परफेक्ट एंगल बताया था कि जब भी आप एल्बो अटैक करते हो तो उस टाइम पे आप कौन कौन से एंगल का यूज़ करते हो और व्हाट शुड बी लाइक, किस सिचुएशन में आप एल्बो अटैक ऑन फेस और ऑन रिब्स कौन से सिचुएशन में दे सकते हो। लेकिन इस वीडियो में अभी हम लोग थोड़ा सा रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, एक जब भी आप अटैक दे रहे हो आपको किस फोर्स से अटैक करना है एंड व्हाट शुड बी द एंगल जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो एल्बो अटैक जब भी आप दे रहे हो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप परफेक्टली इस पॉइंट से हिट करोगे या फिर आप इस पोर्शन को हिट कर सकते हो। पोर्शन अपने आप ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टिल अगर आप थोड़ी सी कंडीशनिंग कर लेते हो तो वो बेटर हो जाएगा आपके लिए। तो अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कवर करेंगे ऐसे कौन कौन से एल्बो अटैक है और कौन कौन से सिचुएशन में आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि तीन एल्बो अटैक जो आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो एंड परफेक्ट एंगल कौन सा होना चाहिए और फोर्स, किस फोर्स से आपको अटैक करना है जब भी आप अटैकर को हिट कर रहे हो। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हेलमेट का, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लाइक यू कैन यूज़ अ टायर। जैसे मेरे पास सबसे इजी ऑप्शन था कि हम लोग हेलमेट का यूज़ करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आप हिट होगे तो आपको खुद को भी फील आएगा कि आप रियल कंडीशनिंग कर रहे हो। तो ऐसे ही आप किसी और को हिट करोगे तो यूजुअली जब आप हिट करते हो तो आपको खुद को भी थोड़ा सा मतलब इतना ईजी नहीं होता, आपको भी थोड़ा सा पेन होता है। तो आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो हार्ड रिस्पॉन्स यूज़ करो। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ फर्स्ट एल्बो अटैक ऑन फेस और उसमें हम लोग अभी इस पोर्शन का यूज़ करने वाले हैं। जैसे यहाँ से मैं टारगेट ले रही हूँ कि सामने वाला यहाँ है और वो मेरी तरफ आ रहा है, तो व्हाट शुड आई डू, आई यूज़ माई हैंड। आप, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब भी एल्बो अटैक दे रहे हो आप ये पूरा एंगल, अगर मैं यहाँ से ये करने की कोशिश करूँ नहीं होगा, तो आप अप हिट एंड गेट बैक। अब इसी को अगर हम पूरा और पूरे बॉडी स्टांस का यूज़ करना है, ये करने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरे बॉडी का मोमेंटम यूज़ करना है, हिट। अगर आप मोमेंटम पूरे बॉडी का यूज़ नहीं करोगे और सिर्फ ये करने की कोशिश कर रहे हो, वो हल्का सा हिला पंदे को चांस, मतलब थोड़ा सा उसको टाइम मिल गया कि वो खुद को संभाल पाए, लेकिन जब आपको हिट देना है हिट हिट और यही चीज़, दिस इज फास्ट अटैक, यहाँ से हिट एंड हिट, दैट्स फर्स्ट वन। और सेकेंड अटैक जो भी आप दे रहे हो एल्बो अटैक, आप डाउन अटैक, ये यूजुअली शोल्डर पे यूज़ होता है, जिसके साथ आप फाइट कर रहे हो उसकी हाइट थोड़ी सी कम है और आपके पास टाइम मिल रहा है कि सामने वाला बंदा थोड़ा सा ऐसे पोजीशन में, तो आप यहाँ पे एल्बो अटैक नेक पे भी दे सकते हो, वो डिपेंड करता है कि कौन से सिचुएशन में आपको। सो अपर अटैक भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से अप डाउन अप डाउन ये, बट फोर्स बहुत ज़रूरी है, बॉडी मोमेंटम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, दैट सेकेंड वन। एंड थर्ड वन इज़, तो अभी एक और स्टांस है कि यूजुअली जरूरी नहीं कि आप ऐसे डायरेक्टली अटैक दे रहे हो, कभी कभार हमें सामने वाले को जस्ट कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट मैं ऐसे शो कर रही हूँ कि मैं पंच मारूंगी, लेकिन पंच नहीं मार रही हूँ, पंच स्किप हो जाएगा एंड इसे एल्बो अटैक, बैक एल्बो अटैक, यहाँ से किक एंड अटैक, सुनाओ किक एंड अटैक, दैट्स थर्ड थिंग जो आप यूज़ कर सकते हो एल्बो अटैक में। बाकी आप बैक एल्बो अटैक यूज़ कर सकते हो, यहाँ से टर्न किया बैक, मतलब पहले खुद को कवर किया बैक, एंगल मैटर करता है, बॉडी जग बहुत मैटर करती है, पूरे बॉडी का यूज़ आपको करना है जब भी आप एल्बो का यूज़ कर रहे हो। अभी तक हमने देखा कि आप एल्बो का यूज़ अटैक में कैसे कर सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला आपके ऊपर अटैक ले रहा है तो आपको सबसे पहले खुद को बचाना है, आप एल्बो का यूज़ डिफेंस में भी कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग चीज़ का यही फ़ायदा होता है कि आप डिफेंस में भी यूज़ कर सकते हो और अटैक में, इसका यूज़ आप अटैक में देते हो लेकिन ब्लॉक पंची से करना मुश्किल है, तो ब्लॉक के लिए आप एल्बो का यूज़ करते हो। जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था दो ब्लॉक होते हैं, अपर ब्लॉक अगर सामने वाला थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, यू कैन यूज़ दिस ब्लॉक, यहाँ से आप फेस कवर कर सकते हो और उसके बाद दूसरे हाथ से अटैक दे सकते हो। सेकेंडली अगर पंच मारने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ से आप ऐसे कवर कर सकते हो अपने फेस को, ताकि आपका अटैक एल्बो पे आए फेस पे ना आए। एंड थर्ड वन इज़, अगर कोई किक मारने की कोशिश कर रहा है जो कि टाइम फाउंडर में होता है मोस्टली, तो आप अपने गार्ड डाउन करके ब्लॉक एंड देन किक। लेकिन अभी हम सिर्फ थप्पड़ को कवर कर रहे हैं कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है तो आप ब्लॉक कैसे करोगे। तो सबसे पहले अगर ये मेरे पास थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है, ब्लॉक, सबसे पहले आप अपने हाथों से उसके हाथ को क्रॉस करोगे एंड
तो मान लो जैसे आपने अभी यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया, तो सेकंड थिंग जो आप करोगे ब्लॉक करने के बाद अटैक देना बहुत जरूरी है। तो अटैक आप सिंपली रिस्ट अटैक, पाम अटैक, नोज पे दो, चिन पे दो, या फिर यहाँ पे पुश भी कर सकते हो बंदे को, सिंगल हैंड से पुश कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो पंच दो या फिर किक दो, कुछ भी करो और वहाँ से भाग जाओ। ये सेकंड सिचुएशन है। तो ये आप ब्लू के साथ अटैक कैसे यूज़ कर रहे हो ये हमने वो देखा। थर्ड वन, अभी रियल टाइम में आप एल्बो अटैक ऑन फेस और रिस्ट सिचुएशन कैसे होती है अगर आपको भी ग्रिप कर लेता है, तो उसी में हम दिखा रहे हैं। सो नॉर्मली गोइंग और किसी ने मेरे को ऐसे ग्रिप कर रखा है, इतना क्लोज ग्रिप कर रखा है कि मेरे हाथ यहाँ से छुड़ाने मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से थोड़ी सी स्पेस ली। सबसे पहले आपको देखना है टर्न और यहाँ से उसके रिप को हिट करेंगे। हिट कैसे करना है, एक अटैक नहीं देना। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं हाथ खुले नहीं है, मैं इसको फेस पे अटैक नहीं दे सकती, लेकिन आई कैन डू वन थिंग, मैं उसके रिप को अटैक कर सकती हूँ लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब मैंने बहुत कम पावर यूज़ की, लेकिन आपको जैसे हमने हेलमेट पे पावर यूज़ की थी वैसे वाली हेलमेट से पावर से हिट करना है। एंड सेकेंड थिंग, अगर इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास, टर्न यहाँ से हिट, आप यहाँ पे हिट करोगे, हिट करोगे लाइक आपको पावर वी पॉइंट पे हिट करना है, लेकिन यूजुअली यहाँ से टर्न करो, हिट हिट हिट, बैक टू बैक हिट देना है। फर्स्ट थिंग इज दिस, अगर आपको हाथ यहाँ से ग्रिप हो रखे, सेकेंडली आपके हाथ ओपन है तो उस टाइम पे आप कैसे खुद को डिफेंड करोगे एल्बो अटैक का यूज़ करके। सो लाइक इस बार इसने मेरे को मेरे कमर से पकड़ रखा है और मेरा हाथ ओपन है, इसलिए मुश्किल है कि मैं उसको किक दे सकूँ, लाइक इट्स टू मच डिफिकल्ट फॉर मी। तो अभी मेरे हाथ ओपन है तो यहाँ से मैं टर्न करूँगी एंड अटैक ऑन फेस। इसमें भी आपके दो ऑप्शन है, या तो आप फेस पर अटैक दोगे या फिर आप दोगे नेक पे, दोनों में से कोई भी अटैक दो और उस लेवल तक, उस एक्सटेंड तक देने है, एक अटैक से कुछ नहीं होने वाला, अटैक 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 अटैक, उस लेवल तक अटैक दो कि वो सामने वाला आपको छोड़ दे और आपको वहाँ से जाना है, क्योंकि इतने अटैक के बाद 2-3 सेकंड के लिए उसका डिसबैलेंस होना बहुत कॉमन है, उसी टाइम का आपको यूज़ करना है, जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। आपने देखा कि हमने एल्बो अटैक की पावर कौन सी यूज़ की थी, किस एंगल पे यूज़ किया और कौन कौन से स्टांस में आप यूज़ कर सकते हो एल्बो अटैक का। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, आप इसको प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करोगे, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि जब भी कंडीशनिंग करते हैं ऐसे कौन से होममेड टूल्स है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोई क्वेश्चन नहीं आया। होप कोई ना कोई होगा जिसको जानना होगा कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हो इसको, तो उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो आएगी कि आप अपनी एल्बो की कंडीशनिंग और अटैक की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो बिना किसी को हार्म किए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय यूजर आईडी इज amandeep.rajput.75। कैन ज्वाइन माय लाइव क्लासेस, इफ यू वांट टू ज्वाइन माय लाइव क्लासेस जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू वांट टू ज्वाइन, स्पेशली इस तरीके से डिज़ाइन की है जिसमें हम लोग नॉर्मल फिटनेस कवर करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन कवर करते हैं और साथ में बेसिक 5-10 मिनट सेल्फ डिफेंस पे भी लगाते हैं। आई न्यू कि मोस्ट ऑफ द यू डोंट वांट टू गेट इनटू स्पोर्ट्स, तो दे डोंट वांट टू ट्रेन लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो अगर आप नॉर्मल लाइफ रूटीन में ऐसे वर्कआउट रूटीन में आना चाहते हो जहाँ पे आपके हाथ और पैरों की इतने अच्छे से कंडीशनिंग हो कि आपको अटैक करना भी सिखाया जाए और आपका वेट लॉस का टारगेट भी कवर हो सके, तो उसके लिए आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। बाय बाय।